दोस्तों इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन पर हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कितने पैसे हम लोग कमा सकते हैं यूट्यूब से, या फिर यूट्यूब से रियल में कोई यूट्यूबर पैसे कमाता भी है कि नहीं। और अगर आप पहले से यूट्यूबर हैं, आप ऑलरेडी पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं यूट्यूब से, तो आपसे बहुत सारे रिलेटिव हो गए आपके या आपके फ्रेंड्स हो गए या बहुत लोग आपसे यही क्वेश्चन करते होंगे कि यार तुम यूट्यूब से कुछ अर्न करते हो या नहीं। या तो दोस्तों उन लोगों को बिलीव नहीं होता है, उन लोगों को समझ नहीं आता है कि यूट्यूब इनको पैसा क्यों देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ, वही हम लोग डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो आपसे जो अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो दिखाइए या उनको समझाइए। या अगर आप एक नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि एक यूट्यूबर किस तरीके से अर्न करता है, कैसे एक यूट्यूबर अच्छी खासी अर्निंग कर पाता है अपनी। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम विशाल, और दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि क्यों हम लोग को यूट्यूब पेड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि आप ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अगर आप कहीं भी चले जाएं तो आप मोबाइल वगैरह के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, या फिर अगर आप टीवी देखते हैं तो वहां पर भी आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट आते हैं। दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो हर जगह अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन भी, एक छोटा बिजनेसमैन या काफी बड़े जो कंपनीज हैं ये सारे एडवर्टाइजमेंट करती हैं। और दोस्तों आजकल की जो अगर आप जनरेशन देखें तो मोबाइल फोन्स के यूज़र काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर आप बच्चे ले लें या यंगस्टर ले लें या फिर और भी आप एज पीपल को ले लें तो सभी लोग ऑलमोस्ट लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़ी कंपनी टारगेट करती है मोबाइल फ़ोन्स को। अब दोस्तों अगर आप समझिएगा सिंपल वे में कि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे ओप्पो वीवो के होर्डिंग आप हर जगह देखते हैं, तो वो लोग ओप्पो वीवो एक कंपनी हो गई या और भी जो कंपनी हो गई इन्वेस्ट करती है ऑफलाइन मार्केट में जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इन्वेस्ट करती है, वैसे ही वो लोग ऑनलाइन मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब दोस्तों यूट्यूब जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, और दोस्तों यूट्यूब हम लोग को पेड इसीलिए करता है, किसी भी यूट्यूबर को यूट्यूब इसीलिए पेड करता है। अगर आप अभी एक वीडियो देख रहे हो तो जैसे ही आप वीडियो चालू करते हो तो वहां पर एक छोटी सी एड आती है। दोस्तों जो वो एड आप देखते हो उस एड के हम लोग को यूट्यूब पैसे देता है। अब दोस्तों एड वहां पर कई तरीके की रहती है, नॉन स्किपेबल एड हो गई है ना, तो उसका उसकी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है, या फिर अगर आप एक नॉर्मल एड देखते हो बैनर एड हो गई, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो एक यूट्यूबर पैसा कमा लेता है। तो दोस्तों पूरा खेल यहाँ पर रहता है एडवर्टाइजमेंट का। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, गूगल पे मतलब गूगल के एडवर्ट्स पे पैसा लगाती हैं कि हाँ हम लोग को इतने पैसे का एडवर्टाइजमेंट करना है मंथली, तो उस हिसाब से गूगल यूट्यूब में एड्स देता है, अपनी एप्स में ऐड देता है। गूगल की जो एडमो भी अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप कोई एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ऐड आती है। उसी तरीके से यूट्यूब की वीडियोज़ पर भी ऐड आती है, कोई ऐड स्टार्टिंग में आती है, कोई आपने ऐड बीच में देखी होगी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी पेड करती है गूगल को, और गूगल इसमें से कुछ परसेंट रख के, लगभग 45% रख के और 55% पेड कर देता है यूट्यूबर को। तो दोस्तों काफी सारे वीडियोस जो बड़े बड़े यूट्यूबर रहते हैं उनके काफी सारे वीडियोस चलते हैं, और उनके हर वीडियो में तो नहीं, कभी ऐड आता है कभी नहीं आता है, और सीपीसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि एक व्यू का कितनी अर्निंग होती है, ऐसी कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन ये टोटली डिपेंड रहता है व्यू पर कि जितने ज्यादा व्यू रहेंगे उतना ज्यादा एक यूट्यूबर अर्निंग कर पाता है। दोस्तों इस कुछ इस तरीके से यूट्यूबर अर्निंग करते हैं, और भी काफ़ी वेज रहती हैं, सिर्फ ये एक तरीका नहीं रहता है। अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर है, जेन्युइन यूट्यूबर है, आपके अच्छे खासे लाखों सब्सक्राइबर हैं आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। आप किसी बड़ी कंपनी की कंपनी हो गई या एप्स हो गए या फिर किसी भी प्रोडक्ट की रिव्यू कर लें, वहाँ पर आप उनके स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। मतलब आप एक तरीके से उनका एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं, वहाँ पर भी आपको पैसे मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे। गैजेट्स रिव्यू अगर हो गए, स्पॉन्सर हो गए है ना दोस्तों, मोनेटाइजेशन हो गया, मतलब एक यूट्यूबर अगर अच्छी लेवल पे आ जाए तो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकता है। और अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आप मोनेटाइजेशन से अर्निंग करना चाहते हैं तो गूगल ने यहाँ पर, यूट्यूब ने यहाँ पर बहुत सारे रूल स्ट्रिक्ट कर दिए। आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तभी आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा और तभी आपके वीडियो पे एड्स आएंगे। तो दोस्तों ये रहा एड्स का, बाकी स्पॉन्सरशिप हो गया, एफिलेशन हो गया। एफिलेशन भी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको, अमेजोन वगैरह की लिंक से अगर मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं एक प्रोडक्ट, या फिर आप उसको लेने वाले हैं लेकिन आप मेरे लिंक पर क्लिक करते हैं जो कि लिंक मैं जनरेट करूंगा अमेजोन एफिलिएट से, तो उस पर आप अगर क्लिक करके लेते हैं तो वो भी हमको कमीशन देके जाता है। तो दोस्तों ये भी यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। अगर आपके साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए
रहे हैं एक यूट्यूबर के साथ, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग से भी काफी अच्छी अर्निंग कर पाता है। दोस्तों कुल मतलब सब मिला के एक ही बात आती है, यहाँ पर एक यूट्यूबर अर्निंग कर पाता है एडवर्टाइजमेंट से। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो पर आप इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी टेक्निकल वीडियोस देखने को मिलेंगी। थैंक यू।